तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने लाल चौक पर फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कल के दिन समापन। आज शाम 5:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जिसका मकसद यही दिखाई दिया कि कैसे आने वाले समय में कांग्रेस और बेहतर स्थितियों में दिखाई दे। फैलाने की विचारधारा है उसके विपरीत जो हमारे देश की संस्कृति है, भाईचारे की है, अमन की है, चैन की है, शांति की है, हमने उसको बरकरार रखना है। और आज के दिन यहाँ पर पहुँचकर राहुल जी ने ये भाईचारे का, एकता का, प्रेम का संदेश दिया है जो कश्मीर नहीं नहीं लेकिन पूरे देश ने आज उसको माना है। आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी लाइव जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। आशिफ जी, ताजा अपडेट क्या है? 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी टाइमिंग है राहुल गांधी के। बिल्कुल सागर, लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं जो न्यूज इंडिया लगातार एक सीधी तस्वीर दिखा रहा है कि ये देखिए, ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के झंडा फहराने के बाद। यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे देखिए बड़े बड़े लीडर भी वहाँ मौजूद हैं। अजय लल्लू को आप देख रहे होंगे वहाँ पे लगातार, चाहे वो जीतू पटवारी हो, अजय लल्लू हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, खुद श्रीनिवास हो जो यूथ के अध्यक्ष हैं, उसके अलावे तमाम जो बड़े लीडर हैं, खासतौर पर सुखविंदर सुक्खू भी यहीं पर थे और उसके अलावे रंजिता रंजन जो सांसद है वो लोग थे, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और खासतौर पर इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आज विधिवत तौर पर इस यात्रा का समापन हुआ है और कल इसके एक बड़ी रैली है। उस रैली में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो लोग शामिल होंगे इसमें और ये कहीं ना कहीं से जिस यात्रा के लिए कन्याकुमारी से चलकर यहाँ तक पहुँचे थे राहुल गांधी, वो इस यात्रा को अब कहीं ना कहीं से समापन के दौर पे है। और यहाँ लगातार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको सी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कैसे तमाम कार्यकर्ता और नेता एक्साइटेड है। यहाँ पर टेक्निकल इशू आ रहा है सागर, मैं कोशिश करूँगा कैमरामैन से ये कहने की थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे राहुल गांधी के आने की वजह से जैमर लगाया गया था जिसकी वजह से बहुत सारी टेक्निकल इशूज हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सही तस्वीरें अब तक पहुँचा सकें और तमाम लोगों से कोशिश करेंगे हम कि कुछ और बड़े लीडर जो हैं उनसे हम आपकी बात भी करा सकें उनसे लगातार, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपनी बातें रख रहे हैं और जिस तरीके से लोग खुशियाँ हैं, लोग एक्साइटमेंट में है, लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने वो जंग जीत लिया हो इस तरीके से। यहाँ पे लगातार कोशिशें ये है कि लगातार ये अपनी बात रखने का सिलसिला है और वो रख भी रहे हैं। और यहाँ पे हमारे तमाम, आप हमारी तस्वीरें देख रहे होंगे कि कैसे लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, उसके अलावे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, तमाम राज्यसभा सांसद हैं यहाँ, दीपेंद्र हुड्डा से लेकर बड़े बड़े लीडर यहाँ पहुँच चुके हैं और वो सभी लोगों की कोशिश ये है कि ये इस तरीके से मैसेज कन्वे करा सके, इस तरीके से यहाँ से मैसेज दे सके जिस मैसेज को लेकर ये पूरे देश भर में जाए। और यहाँ पे आप तमाम लोगों को देख सकते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की एक फौज है और ओवर एक्साइटमेंट भी आप कह सकते हैं, ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं लोग और तमाम लोगों की खुशियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ झंडा लेकर और यहाँ पर आ रहे हैं लोग। और यहाँ देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पे कार्यकर्ता और यहाँ पे नेता सभी बारी बारी करके यहाँ पहुँच भी रहे हैं, बिहार से चलकर यहाँ तक पहुँचे नौसाद कितनी खुशी है और क्या हो रहा है? देखिए, जो जिस चीज का मिशन राहुल गांधी जी का था देश जोड़ने का, लगातार 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाल चौक पे आज झंडा राहुल गांधी जी ने फहराया है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पल है ये देश के लिए, नौजवानों के लिए, देश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, ये बहुत बड़ा पल है और मैं समझता हूँ ये एक इतिहास, अगर देश की राजनीति का और देश की मेहनत का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो राहुल गांधी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि राहुल गांधी जी ने ये काम किया। इतिहास, आप भी यात्रा के सहयोगी रहे हैं, सहभागी, मैं कन्याकुमारी भी था, मैं केरला में भी था, मैं तमिलनाडु में भी था, मैं अकोला महाराष्ट्र में भी था, मैं दिल्ली में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था और अब मैं कश्मीर में भी हूँ। और यहाँ से ये यात्रा का संदेश क्या जाने वाला है? संदेश देखिएगा,
इस यात्रा से पूरे देश के अंदर एक नई ताकत उभरेगी कांग्रेस पार्टी की, एक नया जोश, एक नई रवानगी कांग्रेस पार्टी के अंदर उभरेगी। और साफ तौर पे ये माना जाए कि अब ये यात्रा जो आज अब इस यात्रा के जरिए फिर हाथ से हाथ जोड़े यात्रा शुरू होने वाली है। मैं समझता हूँ उसमें राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं हर जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं कार्यक्रम करूंगा ये, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राहुल गांधी 35 से 40 किलोमीटर चलेंगे। बिल्कुल लगातार इस तरीके से आप देख सकते हैं सागर की कैसे लोगों की एक्साइटमेंट आप दिख रही होगी। मैं मनीष को कहूंगा कि वो एक्साइटमेंट दिखाए, वो झंडे कलर दिखाए और जिस तरीके से लाल चौक पर जो भीड़ है वो दिखाने की कोशिश करें। हम लोग कोशिश करें कि यहाँ पे तमाम जो बड़े लीडरान हैं उनसे भी बात करने की और उनसे ये जानने की कि आखिर वो अब कैसे देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो किस तरीके से इन चीज़ों को लेंगे और यात्रा के आज समापन दौर में जब यात्रा पहुंच चुकी है तब वो लोग किस तरीके से एक्साइटमेंट में हैं। क्योंकि साफ तौर पे ये माना ये जा रहा है कि इस यात्रा को लेकर अब आगे मैसेज कन्वे करना है, आगे इन लोग को बताना है कि आखिर अब इस यात्रा के बाद ये कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है। और देखिए ना क्या इस तरीके से, देखिए मैं आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ सागर, आप जरा देखिए कि ये राहुल गांधी हरियाणा की टीम है, ये इसमें देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये पूरे के पूरे लोग देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हरियाणा के लोग भी हैं। मैं राहुल राव है जो हरी जी हैं, हरी जी कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे, ये एक ऐतिहासिक यात्रा कन्याकुमारी से और हम लोग लाल चौक के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फैलाकर इसकी समाप्ति करी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों हिंदुस्तानियों का सहयोग और विश्वास है। बिल्कुल किस तरीके से आपको पूरी यात्रा में रहे आपको देखिए कि लगातार आपने इंतजाम कराया हो तमाम चीजें हो, राहुल गांधी के साथ आप चले हैं, यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व आप कर रहे थे, क्या क्या मैसेज लेके जाएंगे आप? मैं समझता हूँ कि राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्रा पूरे देश में निकली है उसके बाद एक बात तो स्पष्ट है कि इस देश के लोग इस नफरत की राजनीति को कोई स्थान आज के समय में नहीं देते हैं। पूरा देश शांति, सद्भाव और प्यार से रहना चाहता है, एकता के साथ रहना चाहता है। बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए और जिस तरह से एक आर्थिक असमानता इस देश में बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है, गरीब और अधिक गरीब हो रहा है, तो लोगों के मिले जनसमर्थन। यात्रा के बाद क्या होना है, क्योंकि बार बार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि यात्रा के बाद क्या मैसेज जाने वाला है। यात्रा कार्यक्रम है वो तो चलते रहेंगे, अभी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, पार्टी के कार्यक्रम है, पार्टी लोगों के लिए संघर्ष करती रहेगी सड़क से। पार्टी नहीं कार्यकर्ता, मैं रोहतक से हूँ जी और हरियाणा से वाइस चेयरमैन हूँ एग्जीक्यूटिव काम क्या का। हम लोग ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर, मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक जिले से आता हूँ, कन्याकुमारी से ही चल रहा हूँ। हाँ, राहुल गांधी जी जो संदेश लेकर चले थे नफरत को मिटाने का और मोहब्बत की दुकान सजाने का, तो आप ये देखिए चारों तरफ कैमरा घुमा लीजिए, मोहब्बत की दुकान में कितना सामान इकट्ठा हो चुका है और कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक। एक आपने कहा कि मोहब्बत की दुकान और ये मोहब्बत की दुकान का नज़ारा है, ये मोहब्बत की दुकान का नज़ारा है, ये लोग देख सकते हैं। और आपने देखा होगा हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, ये जितने भी स्टेट आए हैं वहाँ कितनी मोहब्बत की दुकानें सजा चुके हैं। आप लोग कितने खुश हैं और किस तरह से? हम इस यात्रा से बहुत खुश हैं। क्या लेके जाएंगे आप? हम इस संदेश आपको आपके लिए ये लेके जाएंगे। आप पूरे देश के अंदर जो राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली है उसका जो ये मैसेज दिया है ये पूरे देशवासियों को, और वो बीजेपी की जो महंगाई और जो चरम पर पहुंच गई है उस महंगाई को ये बिल्कुल दूर करना चाहते हैं। और इसी कारण जो हमारे हरियाणा से जो MP है सागर, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है और तस्वीरें देखी जानी चाहिए, जानी जानी चाहिए। बिल्कुल देखिए आशिफ जी, ये तस्वीरें राहुल गांधी का आत्मविश्वास मनोबल और भी ज्यादा बढ़ाएंगी, क्योंकि एक उम्मीद की किरण अब राहुल गांधी को इस यात्रा के समापन के इस दौर में दिखाई दे रही होंगी जो उन्होंने सोचकर शुरुआत की थी कन्याकुमारी से। आशिफ जी इसमें कहीं दो मत नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सागर, क्योंकि देखिए जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे होंगे और आपने खुद भी इस चीज़ों को आप भी समझे, जब से कन्याकुमारी से यात्रा चल रही है तब से आप इसके खुद ही आप बहुत स्क्रूटनी करते हैं, तमाम खबरों पर नज़र रखते हैं आप, तो आज आपको इस यात्रा का जो विजुअल है, जो खासतौर पर जो आपको मैसेज दिख रहा होगा, जो संदेश दिख रहा होगा, वो साफ तौर पर आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे लोगों में एक्साइटमेंट है, किस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और देश के कोने कोने से पहुँचे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हैं, हरियाणा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, पश्चिम बंगाल से भी हैं, बिहार से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, तमाम देश के कोने कोने से हैं।
और तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और इसीलिए आप समझ सकते हैं सागर कि कैसे यहाँ पे एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है। और लगातार ये कोशिशें ये हैं कि लोग देश भर में इस मैसेज को लेके जाए, कांग्रेस कार्यकर्ता मैसेज को लेके जाए, और इसीलिए ये तमाम बातें जो है वो खास तौर पे कार्यकर्ताओं के तरीके से, कार्यकर्ता जो मैसेज जनरेट करना चाहते हैं यहाँ से, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे खुश होकर जाएगा, और उसी की कोशिश में ये लगातार लोग लगे हुए हैं। और हम तमाम आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सागर, तमाम तस्वीरें जो मनीष हमारे कैमरा मैन है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हर तस्वीर वहाँ तक पहुँचे, ये लगातार ये कोशिश करें कि वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ लोग जाना चाहते हैं, जहाँ भेजना चाहते हैं। देखिए आशीष जी, मुझे लग रहा है कि उस मकसद में तो जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी कामयाब हो गए, जो संदेश ये देना चाहते थे केंद्र में बैठी बीजेपी को, क्योंकि आने वाले समय में अगर यहाँ पर चुनाव होंगे तो अब इस भीड़ को देखकर अंदाजा लग रहा है, लोकप्रियता को देखकर, कि हाँ राहुल गांधी भी टक्कर तो देंगे। कश्मीरी पंडित की सिर्फ किलिंग हुई है, भाजपा सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है। देखिए साफ तौर पे सागर ये एकदम आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके की जेस्चर आपको दिख रही है वो लगातार ये कोशिशें यही है कि, और हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा है और साफ तौर पे पूछ ले हम हिंदुस्तान वासियों का धन्यवाद करते हैं, दिखा दिया कि आज जब राहुल जी झंडा लहरा रहे थे वो प्रतीक इस बात का था, और देशवासियों ने जो आशीर्वाद उनको दिया वो प्रतीक इस बात का था कि ये देश धर्म जाति भाषा भूषा हर बात से ऊपर उठकर सब भारत माता की संतान है, सब मिलजुल कर देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, सब महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी और जाति धर्म की राजनीति छुटकारा चाहते हैं, सब हिंदुस्तान को दुनिया में बुलंदी पर पहुँचाना चाहते हैं, ये आज देश की भावना उमड़ के आई है। माना यह जा रहा है कि जो ये मैसेज है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि संदेश किस तरह से कहाँ लेके जाना है, आपने सही कहा कन्याकुमारी से लेकर जब श्रीनगर तक पहुंचे राहुल गांधी तो वो संदेश दे के आए, और आप उसके सहभागी भी थे, आज आपको पूरा गेटअप जो दिख रहा है और ये लगातार आप जिस गेटअप में दिखे, अब ये संदेश कैसे लेकर आप लोग जाएंगे और किस तरीके से अपने तमाम कार्यकर्ता अब हम आने वाले समय में अपना राजनीतिक कार्यक्रम लोगों के सामने रखें, कल हमारी मीटिंग है, मैं आज विपक्षी पार्टियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ, विपक्षी पार्टियों, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने एक तपस्या और तप करी है, 3,500 किलोमीटर चलना है, इस नियत से आसान काम नहीं है। मैं विपक्ष की पार्टियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जो लोग बदलाव चाहते हैं देश में, जो लोग बेरोजगारी भ्रष्टाचार महंगाई जाति धर्म की राजनीति छुटकारा चाह के हिंदुस्तान को आगे देखना चाहते हैं, वो सभी दल अब एकजुटता से आगे आए, सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए, सभी तालमेल के साथ चले, आपस में उलझकर देश में बदलाव नहीं लाया जा सकता, तो आज मैं सभी विपक्षी पार्टियों से आह्वान भी करना है। कल जुटने के लिए आह्वान कर रहे हैं, कल आप चाहते हैं कि कल जो रैली है आपकी उसमें तमाम विपक्षी, कल भी और आने वाले समय में जो 2024 के रनअप तक ये संघर्ष है उसमें भी। शुक्रिया, साफ तौर पे दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि देखिए ये मैसेज लेकर हम 2024 की चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे, और साफ तौर पे जो इस वक्त जो 8 राज्यों का चुनाव है उस पर भी नजरें रहेंगी, और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये बात दरअसल वही है सागर जिसकी हमने शुरुआत की थी, मैसेज कहां तक लेके जाना है, कैसे लेकर जाना है, और कार्यकर्ताओं को यह बताना है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से एक मजबूत विकल्प के तौर पर तैयार हो रही है, इस जरिए यहां से वो मैसेज कन्वे कराना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये साफ है, कुछ लीडर ये कह रहे थे कि नहीं हमने सिर्फ ये यात्रा इसलिए शुरू की है कि हम सिर्फ भारत को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मोटिव साफ है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा है। तो कहाँ से आप ये वेशभूषा और कितने दिन से आप बिना? मेरी यात्रा पिछले 12 साल से चलती आ रही है, हमने एक प्रण लिया है कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं बिना चप्पल के राहुल जी के साथ संघर्ष करता रहूंगा। इस यात्रा के बीच में एक और बड़ी यात्रा की शुरुआत हुई राहुल जी के नेतृत्व में, 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा, उसी दिन से हिंदुस्तान के इस तिरंगे को लेकर मैं चल रहा हूँ, यात्रा तिरंगे के नीचे चली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज देश के ताज पे देश का तिरंगा लहरा रहा है। जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे राहुल जी के साथ संघर्ष हम करते नहीं पहनेंगे। आप ऐसे ही रहेंगे? हम हरियाणा से हैं सर, ये प्रतिज्ञा ली हुई है राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, हम छोटी सी सेवा दे रहे हैं।
देखिए साफ तौर पे सागर आप समझ सकते हैं जोश जुनून जज्बा सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। आसिफ जी एक बार अतीत को याद करते हैं, 3500 किलोमीटर की देखिए यात्रा, राहुल गांधी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे, लाइमलाइट में रहने वाले केवल एक वो चेहरे, कड़कड़ाती ठंड में, जमा देने वाली ठंड में आपको देखिए टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, और तो और कई ऐसे देखिए टर्निंग पॉइंट भी दिखाई दिए भारत जोड़ो यात्रा में। आसिफ जी बिल्कुल बिल्कुल है, और साफ तौर पे मैं बताऊं सागर, देखिए मैं इस वक्त इसलिए भीड़ का हिस्सा हूं और भीड़ में हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वो तस्वीरें भी जाने देखे समझे जो तस्वीरें आप देखना चाहते हैं। देखिए इनके बारे में साफ तौर पे है, दीपचंद जी के बारे में कहा जा रहा है कि ये लगातार राहुल गांधी की पसंद है, राहुल गांधी जी इनको बहुत पसंद कर रहे थे, यात्रा में शामिल भी रहे हैं लगातार। ये आप देख सकते हैं कि मीडिया में इस वक्त ये बाइटे दे रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, और दीपचंद जी से हम भी कोशिश करेंगे इनसे जानने की, क्योंकि जिस तरीके की ये लगातार आप देख रहे थे कि किस तरीके सागर की, हमने यही कहा कि ये रंग है, अलग अलग रंग की तस्वीरें हैं, जो अलग अलग रंग है वो हम दिखाना चाहते हैं, वो हम बताना चाहते हैं, वो हम समझाना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी की यात्रा को कैसे जोड़ कर देखा जाए, किस तरीके से जोड़ा जाए और किस तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाए, क्योंकि आप सोचिए 1-2 किलोमीटर की नहीं बल्कि 1300 किलोमीटर की यात्रा थी। और अब दीपचंद जय हिंद, बोलिए सर, बोलिए सर, खुशी हो रही है, क्या है, क्यों आप राहुल गांधी का साथ दे रहे थे इस यात्रा में, क्योंकि आपको देखा गया कि राहुल गांधी आपको गले लगा रहे थे। सर वो गले इसलिए लगा रहे थे क्योंकि जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो मैंने एक वादा किया था कि सर जो आप तिरंगा लेके चल रहे हो मैं आपको रुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी एक इस कंडीशन में भी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ताकि आपको मैं ये एहसास दिलाता रहूं कि मैं आपके साथ हूं, आपके कदम रुके ना और आपको जोश ठंडा नहीं होने दूंगा। मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मैसेज है कि आप राहुल गांधी को ये मैसेज दे रहे थे कि आपको रुकने की जरूरत, तो क्या आपकी बात मानी? बिल्कुल मानी है, और मैं जब भी बीच में मिला हूं, राज भी मैं मिला था, उनको वादा किया था कि मैं जब भी लाल चौक के ऊपर तिरंगा लहराया जाएगा मैं उस चीज का गवाह रहूंगा, आज मैं सामने था और उसको मैंने बोला कि मैं देखिए आज भी आपके साथ में खड़ा हूं, ताकि आप डगमगाओ ना, जिस तरह से आपने इन चीजों को जोड़ा है आगे भी आप जोड़ते जाइए। तो आप लगातार ऐसे ही राहुल गांधी बिल्कुल, बिल्कुल 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 रहेंगी, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि इस राष्ट्र की आन बान शान जहां तिरंगा दिखता सैनिक के कदम तो वहां एकदम से बढ़ जाते हैं आगे आगे। राहुल गांधी में ऐसा दिखा क्या आप? सर वो एक देखा जाए तो देखो आज आपको पता, जब हम किसी सदस्य के साथ में रहेंगे ना, मेन प्रॉब्लम तो उन्होंने जो ये काम किया है ना, जिनको बोल रहे थे कि भाई सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति आज रोडों के ऊपर घूम रहा है, तो आज उसको कोई ये नहीं बोल सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि सर हम तो वहाँ ये चला वो चला, वो बोलेगा आपको कि भैया मैं वहाँ से गुजरा हूँ, मैंने देखा है वहाँ पर ये चीज़ आप ऐसे करते हो, वो चीज़ ये करते हो, तो उनको एक पूरा भारतवर्ष का ज्ञान आया है। आपको लगता है कि यात्रा बहुत जरूरी थी राहुल गांधी के परिपक्व होने के लिए भी, राहुल गांधी को भी? ये बोलता हूँ कि जरूरी का मतलब ये था कि देखो ऐसे है जो हमारे भारत तो देखो पहले ही जुड़ा हुआ है, मगर जो हमारे एक दूसरे के विचार थे उनको एक करना जरूरी है। आज भी मैं बोलता हूँ यात्रा खत्म होगी इसका मतलब नहीं, विचारों को जोड़िए तभी हमारा परिवार जुड़ेगा, देश जुड़ेगा, राज्य जुड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए साफ तौर पे सागर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, वो उन्होंने संदेश दिया, वो मैसेज करना चाहते थे, बताना चाहते थे, कहना चाहते थे कि देखिए जब मैं आपके साथ हूँ, जब मैं इतनी लंबी यात्रा तय कर सकता हूँ तो आपको तो तय करना ही चाहिए, और बिना घबराए बिना समझाए। और देखिए साफ तौर पे मैंने कहा कि तमाम लीडर आए हुए हैं, और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि दिल्ली हो, बॉम्बे हो, गुजरात हो, कोई भी राज्य हो, वो सभी लोग आए हुए। देखिए ये दिल्ली के प्रतिनिधित्व करने वाले, दिल्ली के तमाम कद्दावर लीडर जो लोग दिल्ली की आन बान शान की पहचान माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के तौर पर हमेशा, देखिए ये नफरत को प्यार में बदलने का एक रास्ता जो राहुल जी ने बताया, देशवासी हर देशवासी को इस बात का गर्व है कि किस तरह से भारत को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से यात्रा स्टार्ट करके आज लाल चौक के ऊपर आकर झंडा फहराया। क्या मैसेज ये है कि नफरत छोड़ो, भारत को जोड़ना है, प्यार से जोड़ना है, नफरत से नहीं तोड़ना है इसको। आपको नफरत का खात्मा होगा? बिल्कुल होगा, राहुल जी ने कन्याकुमारी से चल के और यहाँ अंत कर रहे हैं कश्मीर में लाल चौक पर, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ जहाँ राहुल जी निकले हैं प्यार मोहब्बत की जो भावनाएं हैं जो टूट रही थी उनको कायम रखा है और बढ़ाया है। हिंदुस्तान में एक क्रांति है प्यार मोहब्बत की, कांग्रेस के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। जय भारत, जय हिंद।
बिल्कुल एक सवाल आपसे, पॉलिटिकली कितना फायदा होने वाला है? देखिए राहुल गांधी जी पहले दिन से एक बात ये कह रहे हैं कि ना मैं ये चुनाव के लिए कर रहा हूँ, ना कोई इसमें कोई पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को जोड़ने की बात है, दिल से दिल को जोड़ने की बात है, जो उनका नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि पूरा भारत एक एक उसमें पिरो दिया उन्होंने, और आज लाल चौक पे हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के लहरा के साबित कर दिया कि राहुल गांधी इस देश को एक कर सकते हैं और आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। तो साफ तौर पे देखिए कि एक्साइटमेंट किस तरीके से, दिल्ली से आई हुई पूरी टीम है, और मैंने जैसे कहा कांग्रेस पार्टी के ये लोग बड़े कद्दावर लीडर रहे, आकाश चोपड़ा खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अहमद हसन कई बार के विधायक है, और खुद माइनॉरिटी विंग के अली सरर जो है वो अध्यक्ष है अली मेहंदी। तो साफ तौर पर आप समझिए सागर की, मैं इसलिए ये बात कह रहा था क्योंकि हर राज्य के प्रतिनिधित्व है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, और इसीलिए मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बार बार लगातार मनीष जो हमारे कैमरा मैन है, आज बहुत मेहनत किया है उन्होंने सागर, मैं आपको बताऊँ, और वो सुबह से जटे हुए हैं, और हमने सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, और हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ये कलरफुल तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें आपको अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो एक्साइटमेंट है, जो मैसेज ये लोग देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वो किस तरीके से यहाँ पे कन्वे करना चाहते हैं, वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये भी बताने की कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सब अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। ये तस्वीरें जो लाल चौक से ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं वो मैसेज कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो सदियों तक अपने साथ रखेंगे, अपने साथ इसको इकट्ठा करके रखेंगे, अपने साथ बना के रखेंगे, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार जो ये कार्यकर्ताओं की फौज है वो कहीं यहाँ से जो मैसेज लेके जाएगी वो कन्वे करेगी, और वो चीज़ें साफ तौर पर होंगी जो देखने को और सुनने को मिलने वाला है। सागर आप देख सकते हैं कि कैसे ये तस्वीरें धीरे धीरे करके यहाँ से, जब ये यहाँ से जब रूबरू होंगे, जब यहाँ से साफ तौर पे रुखसत होंगे, यहाँ से जब यहाँ से निकलेंगे ये लोग, तो ये इन यादों को लेकर जाएंगे कि आखिर वो इस दिन के गवाह हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। आशिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं, वहां की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा इस समय श्रीनगर में लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराकर इस दिन को और भी ज्यादा ऐतिहासिक बना दिया, और कांग्रेस अपने आप को बेहतर अवस्था में महसूस कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।